गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का हिंदी का वर्क स्टार्ट करते हैं कि आज आपकी हिंदी की बुक है सारांश हिंदी पाठमाला, ठीक है। और आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 ईमानदारी का इनाम। देखिए ये चैप्टर हम पहले भी एक बार रीड कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी सुनना बच्चों को अच्छा लगता है ना। और आज फिर से हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे एक बार। सब बच्चे पुट योर फिंगर ऑन योर बुक, सबसे ऊपर सब बच्चे अपनी फिंगर रखेंगे और मेरे साथ साथ आप बुक रीडिंग भी करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक कहानी सुनो बड़ी मज़ेदार। यह कहानी परियों की नहीं है और यह कहानी राक्षस की भी नहीं है। यह कहानी तो एक गरीब लकड़हारे की है। लकड़हारा खूब मेहनत करता था, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। यह लकड़हारा था बहुत सच्चा और ईमानदार। एक दिन एक नदी के किनारे पेड़ पर चढ़कर लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। वह काट काट कर लकड़ियाँ नदी के किनारे डालता जा रहा था। अचानक उसके हाथ से छूटकर उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। अब लकड़हारा परेशान, करे तो क्या करे, उसके पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। अब शाम को बच्चों को क्या खिलाएगा सोचकर लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। हार कर वह आँखें बंद कर नदी के किनारे बैठ गया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे देव, मेरी कुल्हाड़ी लौटा दो, मैं अपनी कुल्हाड़ी नदी से कैसे निकालूं, मैं कुल्हाड़ी के बिना लकड़ियां कैसे काटूंगा। तभी एक चमत्कार हुआ, और फिर देखो चमत्कार हुआ तो क्या हुआ, पानी में से एक हाथ ऊपर आया। उस हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। नदी से आवाज़ आई, अपनी कुल्हाड़ी ले लो। लकड़हारा आगे नहीं बढ़ा, बोला यह कुल्हाड़ी मैं नहीं लूँगा। देखो लकड़हारा कितना ईमानदार था, सोने की कुल्हाड़ी लेने के लिए लकड़हारे ने मना कर दिया। यह मेरी नहीं है। हाथ वापस नदी में चला गया। अब एक दूसरा हाथ पानी के ऊपर दिखा। इस बार उसके एक चांदी की कुल्हाड़ी हाथ में थी। नदी से फिर आवाज़ आई, यह कुल्हाड़ी तो तुम्हारी है। नहीं नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, कहकर लकड़हारा रोने लगा। हाथ वापस पानी में चला गया। निराश लकड़हारा वहाँ से उठने ही वाला था कि नदी से फिर आवाज़ आई, अच्छा देखो यह कुल्हाड़ी तो ज़रूर तुम्हारी ही होगी। इस बार हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। हाँ हाँ, यह तो मेरी ही कुल्हाड़ी है, खुशी से लकड़हारा कुल्हाड़ी की ओर लपकने लगा। तभी आवाज़ आई, तुम सचमुच के एक ईमानदार व्यक्ति हो, पानी के देवता तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, उन्होंने तुम्हारी ईमानदारी का इनाम ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हें दे दी हैं। लकड़हारे ने आगे बढ़कर तीनों कुल्हाड़ियाँ ले ली। इस बार वह बार बार पानी के देवता का धन्यवाद करने लगा। उसकी आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तो बच्चों कहानी सुनी, इस पाठ से यह सीख मिलती है कि कभी लालच मत करो, ईमानदार बनो, सदैव सच बोलो, ऐसा करने पर ही तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे। देखिए कितनी अच्छी आपने ये स्टोरी पढ़ी है, तो सब बच्चे अपनी बुक पे फिंगर रख के ऐसे ही इस स्टोरी को वन टाइम आप ज़रूर से रीड करेंगे। धन्यवाद।